गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। करिंदा के बासा बांध में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम, ग्रामीणों की समस्याओं को विभागों के द्वारा स्टाल लगाकर किया गया निवारण। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शनिवार को करिंदा विकास खंड अंतर्गत बासा बांध ग्राम पंचायत में पहुंची। कॉम्पोजिट विद्यालय के प्रांगण में इस यात्रा में ग्रामीणों की प्रमुख समस्याओं को विभिन्न विभागों के द्वारा स्टाल लगाकर निवारण किया गया। इस दौरान सभी विभागों के लोग मौजूद रहे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण किया। आयुष्मान कार्ड के बारे में भी लाभार्थियों को बताया गया। ग्राम पंचायत धरवा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग कर लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रमाण पत्र वितरित किया गया, तथा ग्रामवासियों को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में विस्तृत जानकारी भी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत राष्ट्र को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने, भारत की एकता को सुदृढ़ करने हेतु दिए गए मंत्र का संकल्प लिया गया। इस मौके पर मोदी की गारंटी की फिल्म दिखाया गया। कार्यक्रम के दे अफसर सहायक विकास अधिकारी पंचायत आशीष दुबे रहे। कार्यक्रम का संचालन JEMIR के रंजन ने किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान वंदना देवी, सचिव संजय कुमार, सचिव श्याम जी सैनी, BBM चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी, पशु चिकित्सक समेत तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे। मैं आशीष दुबे, DA पंचायत करंदा। आज आपके कार्यक्रम को नोडल अफसर बना दिया जी। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और क्या कहेंगे? कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो लोग लाभ से वंचित हो जा रहे हैं सरकारी योजनाओं को, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होना और जो लोग लाभ प्राप्त किए हैं उन लोगों को सम्मानित करना। ये योजना बहुत बेहतरीन योजना है, इससे हम लोग जो गांव में वंचित लोग हैं, जो विभिन्न योजनाओं में आवास, शौचालय, राशन कार्ड, उज्ज्वला, पेंशन आदि योजनाओं से वंचित है, उन लोगों का आराम से रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है। कुछ लोग समाज कल्याण के अनुपस्थित थे, उनके लिए उनका भावर कोल में ड्यूटी लगा है बाकायदे आदेश से जिला समाज कल्याण अधिकारी। हाँ हाँ, इस बारे में जानकारी। और जो कर्मचारी अनुपस्थित हैं, किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? नहीं, अनुपस्थिति का कोई ठोस कारण नहीं है कि वो आप। जल जीवन मिशन जो कैंप लगता है वो देखा जा रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, जल जीवन मिशन के लोग यहाँ नहीं आए हैं, उच्च अधिकारियों को इसके बारे में हम लोग सूचित करेंगे। अपना नाम बताएं। नाम तो शेखर यादव, ग्राम बासाबा। हमको जो प्रधानमंत्री का जो है 3 साल में 3 किस्त मिलती है 2,000 रुपये, बहुत मैं आभार रखता हूँ। किस पद पे हैं आप? ग्राम सभा क्या है आप? प्रधानमंत्री। किस तरह का कार्यक्रम आपके ग्राम पंचायत में संपन्न हुआ है? 20 बार 20 बार